दोस्तों सेकेंड हैंड पे लेने जा रहा हूँ मैं, देखते बाइक पर क्या क्या। तो आप इसको 75,000 में क्यों दे रहे हो? क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा मिंट कंडीशन में है। एक सो दिस इज़ माई NS 160 एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो चुका है, जैसे कि मीटर कंसोल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यहाँ पर पेट्रोल है फिर भी दिखा रहा है कि पेट्रोल मिसिंग है, एंड स्पीडोमीटर ख़राब हो चुका है। यहाँ पर जो पेट्रोल की जो सिंबल है वो ख़राब हो चुका है, यानी कि मीटर कंसोल ख़राब हो चुका है, इसको चेंज कराना होगा। एंड मेरा बैटरी भी अभी डेड है, सो बाइक की तो बैटरी डेड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर पेट्रोल है फिर भी दिखा नहीं रहा है। जो किलोमीटर की वायर है वो ख़राब हो चुका है, मीटर कंसोल ख़राब हो चुका है, इसको चेंज कराना है मुझे। एंड जब भी मैं इसको ऑन करूँगा सो यहाँ पर देखना ये कुछ हरकत करता है। और फाइनली यहाँ पर बैटरी नहीं है, ये देखो स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये NS 160 और फाइनली किक आता है। सो ये बहुत अच्छा है, सो किक की वजह से मैं अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकता हूँ। यामाहा R15 V4 को देखने जा रहा हूँ, अगर पसंद आता है तो ले लूँगा। भाई हटो, तो ये है यामाहा R15 V3 एंड ये सेकेंड हैंड पे बिक सकता है। दोस्तों सेकेंड हैंड पे लेने जा रहा हूँ मैं, देखते हैं बाइक पर क्या क्या है और क्या मिसिंग है, या पर क्या कौन से काम कराना मुझे चाहिए अगर मैं इसको सेकेंड हैंड लेता हूँ। सो इसकी प्राइस मुझे 75,000 आ रहा है, सो प्राइस बहुत ही कम मिल रहा है मुझे। अब देखते बाइक पर क्या होता है लेने के बाद। सो बाइक बिल्कुल दूर से तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह हम नोटिस नहीं कर सकते। यहाँ पर टायर साइज भी बहुत ही बढ़िया है, फ्रंट टायर के ऑप्शन भी देख सकते हो, एंड कोई भी स्क्रैचेस वगैरह आप यहाँ पर नोटिस नहीं कर सकते। इवन बाइक को अगर एक बार मैं पॉलिश कर देता हूँ सो देख के न्यू ही लगेगा, बिल्कुल लग नहीं रहे कि ये सेकेंड हैंड है। जो ओनर है काफ़ी इसको ध्यान में रखता था वो, सो बहुत ही बढ़िया। अभी तो देख रहे हो यहाँ पर टायर वगैरह देख सकते हो, बिल्कुल भी घिसा नहीं अभी तक, अभी बहुत चलेगा। 140 सेक्शन का टायर रियर पर होता है एंड ये फाइनली ड्यूल चैनल के ABS के साथ आता है। रियर पर आपको 230mm डिस्प्ले मिल जाता है एंड फ्रंट पर आपको 260mm का डिस्प्ले ड्यूल चैनल ABS के साथ आ रहे हैं। सो यहाँ पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। सो 75,000 में क्या इस R15 V3 को लेना चाहिए, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना। बात दोस्तों आप अगर एक सेकेंड हैंड बाइक लेते हो तो आपको बहुत चीज़ों पर बहुत ही अच्छा तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि आप अगर एक सेकेंड हैंड बाइक लेते हो तो दूर से बाइक को पहले देख लीजिए, चारों ओर से देखना कि बाइक पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह है या पर नहीं। सो यहाँ पर देख सकते हो इस बाइक पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह आप लोग नोटिस ही नहीं कर सकते हो। ये बल्कि एक सेकेंड हैंड बाइक होने के बाद भी बाइक काफ़ी सुपर कंडीशन में यहाँ पर रखा हुआ है। सो इसकी किलोमीटर अभी चेक कर लेना, और सेकेंड आपको किलोमीटर चेक करना है कब तक बाइक कितनी चला हुआ है। सो यहाँ पर किलोमीटर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो 24,000 बाइक अभी तक चला हुआ है एंड ABS के ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो। फाइनली इस बाइक पर ड्यूल चैनल ABS आता है और बाइक 75,000 में मुझे मिल रहा है। सो प्राइस बहुत ही कम है इस बाइक के लिए। और उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइक की टायर देख लेना है कि बाइक लेने के बाद आपको टायर कितना तक चलेगा। एंड देख सकते हो टायर साइज बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी बाइक लेने के बाद भी काफ़ी आई थिंक 20,000 किलोमीटर तो नहीं जाएगा, लगभग 5,000 चल ही जाएगा टायर्स लेने के बाद। एंड आपको एक और चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले को ऐसे चेक करना ताकि आपको पता चल पाएगी कोई भी यहाँ पर कोई ऊबर खबर है या पर नहीं, अगर होती है सो बैन होने की संभावना होता है। एंड ये भी एक बार देख लेना, सो डिस्प्ले पे कोई भी स्क्रैचेस कोई भी ऊबर खबर जैसा कुछ चीज़ में महसूस नहीं कर सकता, डिस्प्ले काफ़ी दिनों तक चलेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो रियर का भी एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हो हाँ ये भी ठीक ठाक ही है। एलोविल को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए क्योंकि गड्ढे में अगर गिरता है तो एलोविल बैन हो जाता है, सो इसीलिए एलोविल को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। एलोविल को कैसे चेक करोगे, हल्का सा टच करके देख लेना कि कोई भी जगह बैंड हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पर देख सकते हो एलोविल बिल्कुल ठीक ठाक है एंड एक भी स्क्रैचेस नहीं है एलोविल पर भी, कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, यहाँ पर छोटी सी स्क्रैचेस नोटिस कर सकते हो। सो एलोविल बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको अच्छे तरीके से देख लेना है डिस्प्ले को एलोविल को एंड रियर एलोविल भी देख लेता हूँ।
यहाँ पर भी ठीक ठाक है, मैं दोनों साइड के चेक कर लेना आप लोग। सो ये पर मैं कहता हूँ एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा, फोर्थ साइड, आपको इस साइड से अच्छे तरीके से बाइक को चेक कर लेना है, ताकि कोई भी आप लोग नोटिस कर सकते हो। अगर बाइक किसी जगह कोई बैन वगैरह है, स्क्रैचेस वगैरह है, सो आप लोग यहाँ से नोटिस कर सकते हो इस साइड से आकर। उसके बाद आपको साइड से साइड पैनल चेक कर लेना है, कोई भी स्क्रैच है यहाँ पर कुछ चीज़ें पर, आप अच्छी तरह से चेक कर लेना ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रैच मुझे दिख गया अभी, ये देख सकते हो, बट ये माइनर स्क्रैचेस है, लोगों को दिखेगा नहीं ऐसे। एंड फ्रंट साइड से भी चेक कर लेना, फ्रंट की ओर देख सकते हो, फ्रंट देख कर लग नहीं रहा है कि एक सेकेंड हैंड बाइक है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इवन फ्रंट की नंबर प्लेट मुझे लगाना चाहिए अभी। एंड इस साइड पैनल से भी चेक कर लेना, यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बाइक बिल्कुल न्यू लग रहा है। एंड 75,000 में मुझे बहुत ही अच्छा बढ़िया ऑफ। सो इसके बाद बाइक को एक बार चला कर देख लेना, ओनर से पूछ लेना कि बाइक पर कौन सी काम सबसे बड़ा हुआ है, यानी कि इंजन क्या फटा हुआ है, या पर इंजन में कौन सी काम है जो सबसे बड़ा हुआ है, और ओनर से एक बार पूछ लेना वो क्यों सेल करना चाहते हैं। जितनी भी पेपर्स वगैरह है आपको अच्छे तरह से चेक कर लेना है, बाइक की सारी पेपर्स चेक कर लेना है। एंड आप अगर बाइक की सारी पेपर्स चेक नहीं कर सकते हो, सो आपको नंबर प्लेट देख लेना है। उसके बाद एम परिवहन ऐप पे जाकर आप इस नंबर को दे दोगे, सो बाइक की पूरा डिटेल्स, पूरा हिस्ट्री निकल कर आ जाएगा। बाइक कितने दिन में रजिस्ट्री हुआ था, बाइक की RC अभी है या फिर इंश्योरेंस अभी तक है या फिर नहीं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एम परिवहन ऐप के थ्रू आपको पता चल पाएगा दोस्तों। ओनर से पूछ लेता वो बाइक को क्यों सेल करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हेयर इट्स ओनर, भाई यहाँ पर आओ, बाइक की फ्रंट पर आना चाहिए ना, तुम्हारी बाइक है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप इसको 75,000 में क्यों दे रहे हो, क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा मिंट कंडीशन में है, एक भी स्क्रैचेस वगैरह नोटिस मैंने नहीं अभी तक किया है। सो आपने इतनी कम प्राइस में क्यों इसको सेल कर रहे हो। मैं बुलेट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको बुलेट की कौन सी मॉडल लेना चाहते हैं आप। 650। ओके, 650 लेने के लिए आप V3 को सेल कर रहे हो। और इस बाइक पर दोनों बैठने के लिए दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, जो बैग वगैरह जो लेने के ट्रैवल होता है ना उसमें। और भाई इस बाइक पर आपने अभी तक कौन सी काम ऐसा बरैया किया, यानी कि बड़ा सबसे काम हुआ है, इंजन कभी आपने खोली क्या बाइक की। ना इंजन बिल्कुल चला हुआ है, ठीक ठाक है। और ऐसे कोई स्क्रैचेस वगैरह या फिर बाइक इंश्योरेंस अभी तक कोई क्लेम हुआ है इंश्योरेंस के लिए। नहीं, बाइक एक्सीडेंट वगैरह कभी हुआ है क्या। एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ है ना। सो अब 75,000 में इतनी कम प्राइस में दे रहे हो, क्योंकि मुझे पता है बाइक लेना, सो V3 लोग कम से कम 1 लाख तक प्राइस रखते हैं सेकेंड हैंड की, 1 लाख तक तो जाता ही है, बट आपको इसको 75,000 में दे रहे हो, ये बहुत जो प्राइस रखते हैं उसको बेचने में बहुत टाइम होता है ना। हाँ तो आपका अर्जेंसी है इसलिए आप सेल कर रहे हो ना 75,000 में। ओके चलो, मुझे बाइक बहुत ही बढ़िया लगा और मैं लेना भी चाहता था, बट V4 लेना चाहता, सो अभी तक यहाँ पर आया नहीं, तो सेकेंड हैंड V3 मुझे 75,000 में पड़ रहा है। और बाइक की कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो अब कमेंट करके बताना क्या मैं इस बाइक को परचेस कर लूँ या पर नहीं। सो थैंक यू भाई समय देने के लिए, मैं अभी तो बाइक को देखने आया था, घर जा के बताऊँगा आपको बाइक को लेना है कि नहीं। तो चलिए आज की ब्लॉग बस यही तक था, आपको एंड करते हैं, एंड अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।